भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 हुई घोषित। टीम में हुए तीन बड़े बदलाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। भारत और इंग्लैंड के बीच आज सीरीज का आखिरी व निर्णायक मुकाबला दोपहर 1:30 पर खेला जाना है और इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है, जहाँ पर भारतीय टीम में तीन बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम में भी कुछ बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों, हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए देखते रहे वीडियो को पूरा आखिर तक, और साथ ही आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। तो दोस्तों, आज सीरीज का आखिरी मुकाबला दोपहर 1:30 पर महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में शुरू होना है, जहां पर सीरीज के पहले दो मुकाबले खेले गए थे, यानी कि एक बार फिर हमें हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलने वाला है। लेकिन जो भी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेगी उसके लिए बड़ी चुनौती रहेगी ये तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला। वहीं पर अगर टीम इंडिया इस निर्णायक मुकाबले को हार जाती है तो फिर सीरीज गंवा देगी और साथ ही वह लगातार तीसरी वनडे सीरीज भी हार जाएगी। पिछली दो सीरीज में भारत को फरवरी 2020 में न्यूजीलैंड और नवंबर में ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी थी। ये दोनों ही सीरीज भारत ने विपक्षी टीम के घर में खेली थी, लेकिन टीम इंडिया का घर में रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है। उसने दिसंबर 2019 में वेस्ट इंडीज और जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। ऐसे में यदि भारतीय टीम तीसरा वनडे जीतती है तो घर में उसकी लगातार तीसरी जीत होगी, जबकि अगर टीम इंडिया मुकाबला हारती है तो दो विदेश में सीरीज हार और एक घर में सीरीज हार के साथ ही लगातार तीन सीरीजें टीम इंडिया हार जाएगी। लेकिन अब तक इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 29 साल से टीम इंडिया ने कोई भी वनडे सीरीज नहीं हारी है, और एक बार फिर टीम इंडिया यहां पर इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रचना चाहेगी। इसके लिए टीम इंडिया के पास कई शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं। टीम में यहां पर कई बड़े बदलाव भी हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, तमाम बदलावों और प्लेइंग 11 के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब तक सीरीज में दो बल्लेबाजों ने शतक लगाया है, जिसमें जॉनी बेरिस्टो और केएल राहुल शामिल है। सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बेरिस्टो ही है, जिन्होंने दो मुकाबलों में 218 रन बनाए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर केएल राहुल है, जिन्होंने दो मुकाबलों में 170 रन बनाए हैं। तो तीसरे नंबर पर कोहली है, जिन्होंने दो मुकाबलों में 122 रन बनाए हैं। तो वहीं पर चौथे नंबर पर शिखर धवन है, जिन्होंने दो मुकाबलों में 102 रन बनाए हैं। तो वहीं पर पाँचवें नंबर पर जेसन रॉय है, जिन्होंने दो मुकाबलों में 101 रन बनाए हैं। इसके अलावा दोस्तों, सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट अब तक प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए है, जिन्होंने 6 विकेट चटकाए। इसके अलावा बेन स्टॉक्स, शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार को 3-3, तो रिस टेपले को भी 3 विकेट मिले हैं। वहीं पर दोस्तों, आज पुणे के मैदान की पिच रिपोर्ट और मौसम की बात करें तो पुणे के मैच के दौरान आसमान साफ रहेगा। तापमान 22 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। पिच पूरी तरह पाटाया, यानी यहां पहले और दूसरे वनडे की तरह बल्लेबाजों को मदद मिलेगी। तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है। यहाँ टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी, और अगर कोई टीम यहां पर मुकाबला जीतना चाहती है पहले बल्लेबाजी करते हुए, तो उसे लगभग 350 प्लस से ज़्यादा रन बनाने होंगे, तभी यहां पर मुकाबला जीत सकती है इस पिच के ऊपर। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के आखिरकार क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलने वाले हैं इंग्लैंड और भारत की टीम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड की टीम की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों, इंग्लैंड की टीम की तरफ से जेसन रॉय और जॉनी बेरिस्टो काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, और ये दोनों खिलाड़ी एक बार फिर टीम की ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती दोनों वनडे मुकाबले में शतकीय साझेदारी की है पहले विकेट के लिए। तो वहीं पर इसके बाद टीम की तरफ से नंबर 3 पर बेन स्टॉक्स उतरने वाले हैं, जिन्होंने तूफानी पारी खेली थी और मात्र 52 गेंदों पर 99 रनों की पारी खेलकर इंग्लैंड की टीम की जीत तय कर दी थी। वहीं पर नंबर 4 पर कप्तान जोस बटलर उतरने वाले हैं, तो नंबर 5 पर डेविड मलान उतरेंगे। इसके बाद नंबर 6 पर लियाम लिविंगस्टोन उतरने वाले हैं, तो वहीं पर नंबर 7 पर मोइन अली उतरेंगे। इसके बाद नंबर 8 पर सैम करन उतरने वाले हैं, तो वहीं पर नंबर 9 पर टॉम करन की जगह पर मार्क वुड की वापसी हो सकती है। तो वहीं पर नंबर 10 पर आदिल रशीद उतरने वाले हैं, और नंबर 11 पर रिस टॉपले उतरेंगे, जिन्होंने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की थी दूसरे वनडे मुकाबले में। यानी कि एक बार फिर हमें इयान मॉर्गन खेलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन टीम के पास कई शानदार खिलाड़ी मौजूद है जो भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। वहीं पर अब हम बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की। तो भारतीय टीम में यहाँ पर तीन बड़े बदलाव हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी के तौर पर। भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन उतरेंगे। उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा का बल्ला इस मुकाबले में चलेगा, क्योंकि अब तक रोहित ने उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की है इस सीरीज के दोनों वनडे मुकाबलों में, लेकिन शिखर धवन ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है।
तो वहीं पर टीम इंडिया की तरफ से नंबर 3 पर विराट कोहली उतरेंगे। चाहेंगे विराट कोहली की सीजन के आखिरी मुकाबले में शानदार शतक लगा के अपने शतक के सूखे को पूरा करें, जो कि काफ़ी दिनों से टीम इंडिया के लिए उनके बल्ले से हमें शतक देखने को नहीं मिला है। तो वहीं पर नंबर 4 पर टीम इंडिया की तरफ से लोकेश राहुल उतरने वाले हैं, जिन्होंने शानदार शतक लगाया था पिछले मुकाबले में। तो वहीं पर तूफानी बल्लेबाजी करने वाले ऋषभ पंत हमें नंबर 5 पर दिखेंगे। ऋषभ पंत ने पिछले मुकाबले में 7 छक्के जड़े थे। तो वहीं पर इसके बाद आखिर में शानदार फिनिश करने वाले हार्दिक पांड्या नंबर 6 पर उतरने वाले हैं टीम इंडिया की तरफ से। तो वहीं पर नंबर 7 पर कृणाल पांड्या की जगह पर वाशिंगटन सुंदर को मौका मिलेगा। तो इसके बाद नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार उतरने वाले हैं। तो नंबर 9 पर शार्दुल ठाकुर की जगह पर टी नटराजन खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर इसके बाद नंबर 10 पर कुलदीप यादव की जगह पर युजवेंद्र चहल की वापसी होगी। तो वहीं पर नंबर 11 पर प्रसिद्ध कृष्णा उतरने वाले हैं, यानी कि टीम इंडिया के पास बेहतरीन लाइनअप मौजूद है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।